नमस्कार दोस्तों दोस्तों एडिनियम के ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स या तो आप इसके कटिंग से ग्राफ्ट करके बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास एडिनियम प्लांट पर इस समर में फ्लावरिंग सीजन में सीड पॉड यानी कि जो सिंग लगते हैं कुछ इस तरह के, इस सीड पॉड्स में से सीड्स निकाल कर आप इससे ग्रो कर सकते हो। यह सीड्स पॉड इस फ्लावरिंग सीजन में एडिनियम के मैच्योर प्लांट पर निकलते हैं। अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो यह सीड पॉड्स में से जो सीड निकलेंगे वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाता हूँ कि कैसे आप सीड पॉड के अंदर जो सीड बनते हैं इसे हेल्दी रखें, जिससे अंदर जो सीड्स बनते हैं उसका जर्मिनेशन 100% हो। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। इसके लिए जब भी आपको एडिनियम प्लांट में ऐसी छोटी सी सिंग यानी कि सीड पॉड दिखे, तभी से आपको एडिनियम की एक्स्ट्रा केयर करनी है। जैसे ही ऐसा सीड पॉड दिखने लगे तो एडिनियम प्लांट में हर 10 दिन के बाद ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग या फिर कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से देना है। यानी सीड पॉड लगे हुए एडिनियम में हमें 30% जितना एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि एक सीड पॉड के अंदर 100 से लेकर 300 तक सीड्स होते हैं और उसे हेल्दी बनाने के लिए उसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र चाहिए। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देना है। और जब यह सीड पॉड ऐसी डार्क ब्राउन होने लगे, तब आपको इस सीड पॉड को किसी भी वायर से कुछ इस तरह से टाई कर लेना है, या फिर इस सीड पॉड को कोई भी आप स्ट्रिंग ले ले और कुछ इस तरह से इसे टाई कर ले, ताकि जब ये सीड फटे तो अंदर जो सीड्स है वो बाहर निकल ना जाए। एक बार सीड पॉड डार्क ब्राउन होने लगे तो उसके 10 से 15 दिन में यह फट सकती है। तो आप इसको इस तरह से प्लास्टिक बैग से भी कवर कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि जब यह सीड पॉड फटेगा तो सारे सीड्स जो है वो इस प्लास्टिक की बैग में कलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके एडिनियम प्लांट में भी ऐसे सीड पॉड लगे हो और वो डार्क ब्राउन कुछ इस तरह से हो गए हो, तो आप तुरंत ही इसे किसी भी वायर से या फिर स्ट्रिंग से टाई कर ले, या फिर प्लास्टिक बैग से कवर कर ले। नहीं तो अंदर के जो सीड्स है वो एक बार फटने के बाद ये सारे सीड्स हवा में उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने एडिनियम के सीड पॉड में अंदर जो सीड्स है उसको हेल्दी बनाइए इस तरीके से, और इसे अच्छे से कलेक्ट करके अपने गार्डन में एडिनियम की संख्या बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।